हेलो स्टूडेंट्स सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की विच इज़ क्वाइट कॉमन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स और वो है टायर्डनेस आफ्टर स्कूल तो सभी स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं उसके बाद स्पेशली जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद अगर स्कूल जाने के बाद जो टायर्डनेस होती है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है वो हमारी जेई की प्रिपरेशन पे और आगे आने वाला जो पूरा आधा दिन होता है उसमें जो हम तैयारी करते हैं उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आता है सो so, आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्कूल uh, से आने के बाद काफी ज्यादा टायर्ड महसूस करते हो या थक जाते हो uh, और आपके फाइनली जो आपकी प्रिपरेशन है उस पर वो इम्पैक्ट डाल रहा है तो उससे कैसे बच सकते हैं उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से बच्चों सबसे पहले uh, जो सबसे पहला पॉइंट है जिससे आप इस चीज से बच सकते हो या इसको थोड़ा नलीफाई कर सकते हो डेट इज़ टू हैव अ साउंड स्लीप एंड एटलीस्ट सेवन आवर्स ऑफ स्लीप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रात को देर तक पढ़ते हैं और अगले दिन आपका स्कूल भी होता है आपको स्कूल भी जाना होता है काफी टाइम तो इसलिए एक काम आप यहां पे कर सकते हो बच्चों कि आप मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो सकते हो ग्यारह बजे के बाद आई I मीन mean, ग्यारह बजे के बाद आपको सो जाना चाहिए बिकॉज एटलीस्ट क्योंकि स्कूल जाने के लिए मैक्स आपको सिक्स सिक्स ओ क्लॉक तो सुबह उठना ही पड़ेगा तो एटलीस्ट सेवन आवर्स की स्लीप इज रियली नेसेसरी ताकि आपका आगे का जो दिन है वो एनर्जेटिक रहे और आप पूरे दिन को फुली यूटिलाइज कर पाओ तो टू हैव साउंड स्लीप एंड एटलीस्ट सेवन आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी तो अवॉइड की बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्टडीज आप कर रहे हो अगर आपको अगले दिन स्कूल जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं या टेस्ट हैं तो फॉर श्योर sure आप ये ध्यान रख सकते हो कि आप 11 बजे तक Uh, आपको सो जाना चाहिए जस्ट इन केस अगर कोई स्कूल नहीं होता है या आपका हॉलीडे होता है ऑब्वियसली यू कैन एक्सटेंड एटलीस्ट वन आवर बट बहुत ज्यादा लेट तब भी नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे भी बॉडी हेल्थ पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों ठीक है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका स्लीप पूरा होना बहुत जरूरी है तो स्लीप पूरा होगा तो फॉर श्योर sure आप पूरा दिन एनर्जेटिक uh, भी रहोगे और उसको यूटिलाइज भी ज़्यादा कर पाओगे सेकेंड थिंग स्लीप चलो पूरी हो जाती है बट स्टिल स्कूल में काफी सारा काम होता है बहुत सारे बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं और बच्चा थक जाता है और आगे आपको जेई की प्रिपरेशन भी करनी है या फॉर एग्जाम्पल आपको कोचिंग भी जाना है

20 30 मिनट्स डोंट टॉक टू एनीवन आप खाना खा के अपने रूम में आराम से शांति से बैठ सकते हो या लेट सकते हो आराम से ठीक है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको सोना ही जरूरी है बट यस yes, 20 25 मिनट्स 30 मिनट्स का एक आराम करना रिलैक्स करना एक पावर नैप लेना कोई हाम नहीं करेगा और आपको थोड़ा सा फ्रेशन अप और कर देगा ओके okay, बच्चों तो नेक्स्ट पॉइंट जो आप इन इस अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हो वो है कि अननेसेसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना अपने स्कूल में स्पेशली क्योंकि ऑब्वियसली आप गेम पीरियड होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स करना भी बहुत ज़रूरी है लेकिन हम कई बार अपने अपने आप को अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो जाते हैं और स्पेशली जब आप जबकि आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो रिक्वायर्स लॉड ऑफ एफिशेंसी एंड लॉड ऑफ़ फोकस और बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी चाहिए होती है तो अगर आपको अगले हाफ़ जो आपका स्कूल के बाद का जो दिन है उसमें अगर आपको अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद आप स्कूल में कोई अनवांटेड फिजिकल एक्टिविटीज या बहुत ज्यादा आप अपनी एनर्जी वहां पे ड्रेन कर रहे हो तो फॉर श्योर कि आप बच्चों आपको फिर आगे उसमें प्रॉब्लम आएगी सो रिस्ट्रिक्ट योर कि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो या जहां पे आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा खेलना भी है ऑब्वियसली मजे भी करने हैं तो वो आप कर सकते हो बट अनवांटेड या अननेसेसरी कोई रेलिवेंट कोई चीज़ें हैं उससे आप अपनी एनर्जी ना मतलब ना करके उससे आप एनर्जी बचा सकते हो तो ये आई थिंक दिस इज़ ये एक चीज़ होगी जिससे आप स्कूल के बाद आके बहुत ज़्यादा ड्रेंड आउट नहीं होंगे और अपने आप अप, अपना फुल पोटेंशियल को यूज़ कर पाओगे टिल टेन थर्टी अलेवन जब तक आप रात को पढ़ते हो ठीक है बच्चों उसके अलावा कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जैसे आ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आ, कि आपका जो फूड इंटेक है वो भी अच्छा होना चाहिए लाइक प्लेंटी ऑफ वाटर यू शूड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर आप तीन से चार लीटर्स पानी पिया करो उससे हाइड्रेटेड रहोगे एनर्जेटिक रहोगे फ्रेश रहोगे पूरा दिन तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं जो लगता है कि यार आई uh, थिंक अपने लाइफ में अगर आप इनको फॉलो करते हो तो इसके रिजल्ट एकदम से तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं uh, आपका जो फोकस है आपका जो एफिशेंसी है काम करने की या जेई की तैयारी करने की कोई आपका टेस्ट हो रहा है तीन uh, घंटे आपको लगातार बैठना है जो सिटिंग आपकी इंप्रूव होती है ये सारी बातें बहुत अच्छे से अगर आप फॉलो करते हो तो ये आप इन पर इंपैक्ट जरूर डालेगी जब आप फाइनली अपना जेई का एग्जाम देने भी जाओगे तो अगर आप आपका जो फूड इनटेक या वाटर इंटेक अगर अच्छा होगा आ, तो आई थिंक फाइनली वो आपको हेल्प करेगा टू हैव बेटर फोकस एंड आपका जो पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो ठीक है बच्चों सो so, फूड में भी जैसे आप अवॉइड कर सकते हो ऑयली फूड्स फ्राइड फूड्स स्कूल में हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो क्योंकि इससे भी एक लेथार्जी आती है हमारी बॉडी में और कहीं ना कहीं हम लोग मतलब थोड़ा सुस्त हो जाते हैं और फिर पूरा दिन काम करने का मन नहीं करता हम इनएक्टिव रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं लास्ट में फिर वो प्रिपरेशन पे क्योंकि देखो जब आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो फाइनली आपकी रैंक आ रही है परसेंटेज आ रही है या आप फाइनल एक कॉलेज uh, में जा रहे हो ये सारा जो रिजल्ट है दैट्स बेसिकली द क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल द थिंग्स जो आपने अपने इन एक या दो सालों में तैयारी में की है तो अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स में गड़बड़ी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब ऑब्वियसली बाहर का नहीं खा सकते बट येस yes, जितना कम हो सके या जितना अपने आपको आप को आप अच्छा खाना खा सकोगे उतना आई थिंक आपके लिए भी अच्छा होगा बाकी मजे सब करते हैं सबको पसंद है बाहर का खाना कभी कभी हम खा सकते हैं बट यस डोंट टेक केयर ओवर ईटिंग आप कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस में वो आ, कुछ ऑयली या फ्राइड फूड्स खा रहे हो तो ये सब चीज़ें मतलब सुनने में लगता है कि नहीं यार नॉर्मल बातें लेकिन इन द एंड आपकी बॉडी पे आपकी हेल्थ पे वो इम्पैक्ट डालती है और फोकस भी खराब होता है इनएक्टिवनेस भी आती है तो ये सब चीज़ों का बच्चों ध्यान रखना तो अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फाइनली आप देखोगे कि हाँ विद इन फ्यू डेज़ और एक आध महीने में आप देखोगे आपके एक एक बॉडी जो रूटीन होता है वो बन जाएगा आप पहले से ज़्यादा थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे और अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करोगे ठीक है तो ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है इफ़ यू आर गेटिंग टायर्ड आफ्टर स्कूल और आफ्टर कोचिंग आप बहुत ज़्यादा टायर हो जाते हो तो इन सब चीजों में थोड़ा चेंजेस या या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, या पार लेना है ये सारी बातें ऐसी हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एंड यूल फाइनली गेट अ गुड कॉलेज ओके सो थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन